welcome to the Saturday story once again, my viewers, and back to tonight's story with another new, brand new story to share along with you after another week we passed. Hope you are keeping well. अब समय है आप सभी के साथ आज के सैटरडे स्टोरी पर जुड़ने का और एक नई कहानी लेकर. अब वक्त है एक नई कहानी, एक सत्य घटना सुनाने का जो पृथ्वी के इतिहास में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ है. और उसी कहानी को लेके मैं हर शनिवार आपसे मिलता हूँ कुछ समय के लिए उस कहानी को सुनाने के लिए. तो शुरुआत आज की स्टोरी, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे हैं. और आज के इस तारीख पर हमारे देश में 2020 में आज इंडिया, अगर कहा जाए कौन सा पोजीशन में है, क्या सिचुएशन में है, क्या सिनेरियो है, यू ऑल नो. देखते देखते आज कंट्री का विक्टिम्स का काउंट सेकंड पोजीशन में आ गया वर्ल्ड वाइड. सो वी आर रियली क्रॉसिंग अ वेरी वेरी क्रंच मोमेंट राइट एट द टाइम. एक बहुत बड़ा कठिनाई का सामना है पूरा देश कर, जिसका एनालिटिक्स आप सबके सामने है, मेरे सामने है. आज का कहानी इस कठिनाई बोले तो मे भी आप कह सकते हैं आज का कहानी मैं आपसे शेयर करूं ये यहीं से इंस्पायर्ड है. वेर आई रियली थॉट टू शेयर अ स्टोरी विथ यू विच इज अ स्टोरी ऑफ क्रॉसिंग हर्डल्स इन लाइफ. अगर इंसान का खुद का सोच और खुद का डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं अपने बस में रहे तो, और वो सोचे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो हालत कितना भी कठिन हो और परमात्मा का साथ उनका साथ रहे तो वो कठिन समय भी देखते देखते गुजर जाता है. क्यों मैं कह रहा हूँ वो आज की कहानी आपको प्रूफ करेगी. कहानी आज की अगर मैं ऐसा है मैं कहूँ कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिलेटेड विद अ पर्सन, अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री टू हैव सर्वाइव्ड इन अ स्मॉल बोट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम ऑन द पैसिफिक ओशन विच इज नॉट वन मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ, सिक्स मंथ, बट 14 months. आप शायद एक बार सोचें, यस, टुडेज ट्रू स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ पर्सन हु हैड स्पेंड 438 डेज ऑफ हिज लाइफ ऑन अ स्मॉल बोट ऑन द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के ऊपर. एक इंसान जो जीवन के 438 दिन सेल करते हैं और आखिर में जी भी लेते हैं ये जिंदगी अपने खुद के जज्बे और भगवान के आशीर्वाद से. चलिए आगे बढ़ते हैं. 30 जनवरी 2014 का दिन है. टू एबन अटोल लोकल्स, अटोल मतलब एक छोटा सा द्वीप होता है, एक मार्शल आइलैंड बोल के एक जगह है ब्राजील के पास. 30 जनवरी 2014 का एक सुबह कुछ लोकल मछुआरे, कुछ गांव के लोग अचानक देखते हैं मार्शल आइलैंड बोल के एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पे वो लोग देखते हैं कि एक इंसान समुद्र के किनारे शरीर नग्न शरीर में हाथ में एक छुरा है और उसको लेके समुद्र के किनारे जो रेत है उसको खरोच रहा है और कुछ बकते जा रहा है. सो दे कुड मार्क अ पर्सन विद बियर्ड क्लचिंग अ नाइफ एंड शाउटिंग इन समथिंग इन स्पैनिश. पास में थोड़ा जानने से उसको पता चले कि ये स्पैनिश लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं. सो वो लोग चौंक जाते हैं एंड बाद में पता चला कि दिस पर्सन इज नोन बाय द नेम ऑफ जोस साल्वेडर अल्वारेंगा, हु हैज बीन सर्वाइविंग ऑन द सी ऑन द पैसिफिक ओशन फॉर द लास्ट 438 डेज. चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं. जोस
Salvador Alvarenga was born in 1975 at Garcia Palmera, Ahuachapan. It is a place at Mexico. It's not Mexico, but it's at Ahuachapan. Exact global positioning आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा. मैंने ऑनेस्टली ये प्रॉपर पोजिशनिंग देखा नहीं, बट आई कैन ओनली शेयर द नेम ऑफ द प्लेस. एनीवे लेट्स गो, बिकॉज आपके लिए भी कुछ एक रह जाता है. आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं, सुनते हैं. सो आई ऑलवेज आस्क यू टू लीव समथिंग ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज दिस Ahuachapan एंड राइट ऑन द कमेंट्स बॉक्स. ओके लेट्स गो मूव ऑन. हिज फादर नेम वॉज Orlena, who owned a small mill and a small store. उनके पापा का एक छोटा सा मिल था, एक स्टोर था. Now this person, ऐसे कहा जाए तो गरीब परिवार ही था, ऐसा कुछ मिडिल क्लास पीपल. एल साल्वाडोर इन 2002 में, इन द ईयर 2002, ही लेफ्ट हिज प्लेस फॉर मेक्सिको. And when he comes and works as a fisherman for 4 years, Mexico आते हैं और वहाँ पे वो एक मछुआरे के जिंदगी के हिसाब से जिंदगी बिताते हैं करीब 4 साल के लिए. After that, he joins a company. It's a company, it's an organization, आप कुछ भी बोले, which and he becomes a employee under a person known as Wilhelmino Rodriguez. उनके बोल के एक इंसान है, उनके अंडर में वो काम पे ज्वाइन करता है एक मछुआरे के तौर. अच्छा, ये जो रॉड्रिग्स था, ये बेसिकली एक पर्सन वॉज अ फिशरमैन प्रैक्टिकली, बट उनका सिस्टम अलग था. वो कुछ फिशरमैन्स, उनके पास बहुत सारे फिशरमैन्स काम करते थे, उनके पास बोर्ड्स हुआ करता था और वो उनका ठेका लेकर जैसे रखने का वैसा रखते थे. यू सेंड पीपल्स टू गो टू डीप सीज, कैच फिशेस, कम बैक, और वो वहाँ से होलसेल में वो फिश सेल करते थे. दैट वॉज द बिजनेस ऑफ दिस रॉड्रिग्स. तो इनके पास ये अल्फा द पर्सन जिनको लेके आज का कहानी है Salvador, ये ज्वाइन करता है. नाउ द स्टोरी ऑफ द वॉयज, हाउ इट स्टार्टेड, क्वाइट इंटरेस्टिंग. Alvarenga set out from the fishing village of Costa Azul. The name of the coastal village was Costa Azul, near Pijipan of coast of Chiapas. कुछ ऐसे ऐसे नाम है जो मेरे को थोड़ा नोट करके रखना है, बिकॉज थोड़ा नाम अनट सनट है, तो ताकि उसमें कहीं गड़बड़ ना हो. तो Pijipan बोल के एक गाँव है, फिशिंग विलेज है, जो कोस्ट ऑफ Chiapas में है इन मैक्सिको. एंड द डेट वॉज 17 नवंबर 2012 को ये वॉयज अपना शुरू करते. एकॉम्पनीड, अब साथी कौन? ऐसा होता था कि ज्यादातर समय इसके साथ एक रेगुलर को वर्कर, जो लोग मछुआरे जाते हैं वो लोग एक टीम होके जाते हैं, 2 लोग 4 लोग 6 लोग ऐसे जाते हैं. वो समुद्र डीप सी में जाते हैं, 20-20 घंटा 30-30 घंटा एक साथ डोंगी में रहना पड़ता है और एक अकेला का काम नहीं है. तो दिस Alvarenga यूज्ड टू ऑलवेज टेक अ को वर्कर अलोंग विद हिम, अ टीममेट जो उसको हेल्प करता था. अच्छा, इस टाइम कुछ अलग, इस टाइम उसका साथ जो रेगुलर जाते थे वो कुछ कारण से वो आ नहीं पाए, ही कुडंट जॉइन Salvador. सो ही हायर्ड अनदर गाय who was only 23 years old, and the name of the guy was Ezekiel. Achha, Salvador didn't knew that this guy also. वो उनको पहचानते भी नहीं थे पहले से. Ezekiel को कोई reference में उनको पता चला and he came in contact with Ezekiel. और Ezekiel को जब बताया कि भाई मेरे को ऐसा जाना है, you'll get so and so and जो भी उनका है, so that 23 साल का एक बालक वो राजी हो जाता है समुंदर के अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसको भी फिशिंग पता था, बट वो ऐसे असिस्टेंट के रूप में काम करता है. तो एग्री टू गो विद Salvador. 17 नवंबर 2012 को ये लोग निकल पड़ते हैं.
फिर 17 नवंबर को जब वो निकलते हैं, और मैं एक चीज बताऊं, सल्वाडोर का ही हैड अ फिशिंग एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 30 आवर्स एट ए स्ट्रेच, 30 घंटा कोई नदी नहीं, लेक नहीं, बट पैसिफिक ओशन, जस्ट थिंक, प्रशांत महासागर के ऊपर 30-30 घंटा रह के मच फिशिंग करना कोई मामूली काम नहीं है, इट्स अ बिग एडवेंचर एंड यू नीड अ बिग स्किल फॉर दैट. सल्वाडोर हैड दैट, उनके पास वो स्किल था, तभी उनको हायर किया गया. एनीवे, ही स्टार्टेड द वॉयज विद दिस एजिकल द गाय. एजिकल का पूरा नाम था एजिकल कॉर्डोबा. तो वो जैसे निकल जाते हैं तो उसके समुद्र के अंदर वो लोग जाने के बाद एक दिन बाद वो लोग दे फेस्ड अ स्टॉर्म, एक समुद्री तूफान का सामना करते हैं अचानक. अक्सर ये अटलांटिक पैसिफिक में ये टोर्नाडोज, हरिकेन्स, ये सब होता ही रहता है. सो सी वॉयजेस आर क्वाइट वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड रियली समथिंग, इट्स नॉट सो ईजी. दे फेसेस अ स्टॉर्म, और उनके जो बोट था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, द बोट वॉज अ 23 फीट लॉन्ग फाइबर ग्लास स्किफ इक्विप्ड विद अ सिंगल आउटबोर्ड मोटर. उसमें था एक आइस बॉक्स जिसमें मछली पकड़े तो उसको डाल के रखे, और जो कि रेफ्रिजरेटर का एक साइज था, और एक आइस बॉक्स एंड एक मोटर फिटेड था, बस इतना ही था. और कुछ पानी था उनके साथ जो लेके गए थे, सेल्स था, रोइंग, अपना एक टू वे कम्युनिकेशन रेडियो सिस्टम उनके पास था, दिस वाज ऑल दे हैड, उसको लेके वो चल गए थे. तो जब समुद्र में ये होता है तूफान, वो 5 दिन तक वो तूफान रहता है, और 5 दिन के बाद जब ये तूफान जाता है, बाय द टाइम ये तूफान चला तो जाता है, ये लोग भी बच जाते हैं, बट तूफान उनके बोट का सारे मैकेनिज्म को चकनाचूर कर देता है. उनके जो बोट का मशीन था, द मोटर था, दैट गॉट डैमेज्ड. अब इनके पास कोई चारा नहीं, दे कैन नॉट रो द बोट, क्योंकि वो समुंदर से दूर दूर कोसों मील अंदर था. उनका उम्मीद अभी यही था कि मोटर तो ठीक नहीं होगा, अब कोई दूसरा शिप दिख जाए या ऊपर से जाने वाला कोई हवाई जहाज उनको मार्क कर ले. और एक सहारा था, वो था उनके पास टू वे वायरलेस सेल, जिसके बदौलत सल्वाडोर ये मैसेज वो जिनके अंडर में काम करता था, मैं उनका नाम कहीं पे नोट करके रखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि सल्वाडोर का ही वाज वर्किंग अंडर पर्सन सीजर केस्टेलो, जो उनका बोट का जो ओनर था. तो सल्वाडोर सबसे पहले अपने इस टू वे रेडियो सिस्टम में, क्योंकि उसका बैटरी कम हो गया था, कोशिश करता है कम्युनिकेट करने का. समहाउ ही मैनेजेस टू कम्युनिकेट कि हम लोग फंस गए यहां पे ऐसे ऐसे, बट उसके कुछ समय बाद वो बैटरी डेड हो जाता है, सैटेलाइट फोन खराब हो चलता, सो नो कम्युनिकेशन, नो कनेक्शन, नाइदर द बोट इज वर्किंग. अब समझ रहे क्या कर, क्या जैसे उनको पता चलता है कोस्ट में कि ऐसा हुआ है, तो दे सेंड्स अ वॉच पार्टी, जो जाके सर्च पार्टी उनको खोजने गई. बट समुंदर में उस समय इतना कोहरा छाया था, नवंबर था, फॉग था, मौसम सही नहीं था, 2 दिन सर्च पार्टी घूमते हैं, उनको कहीं पे कुछ नजर नहीं आता है, एंड दे थॉट दैट दे आर डेड, और वो लोग वापस चले आते आशा छोड़ के कि नहीं मिलेगा, ये लोग दे आर ड्राउंड. अक्सर ऐसा होता है, बट ये दोनों तभी भी, कॉर्डोबा एंड सल्वाडोर वर स्टिल रोइंग ऑन दैट बोट. ऐसे करते करते करीब 4 महीने गुजर गया, बट they were not located neither by the watch party or the search party or any ship or any air ship airlines, koi kahin se kuch nazar nahi aa raha tha.
अच्छा बोट में करीब उन्होंने 500 किलो मछली उठाया, बोट भारी हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ मछली समुद्र में डाल दिया बोट को हल्का हल्का करने के लिए, सो दैट अब वो समझ गया कि सिचुएशन इज गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल, सो कर दिया। पानी जो था कितना रहेगा, पीने का पानी धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगा। अब 4 से आगे 6 महीने हुआ, 4 महीने के बाद एक जैसे ऐसे ऐसे चलता रहा, 4 महीने के बाद एक ऐसा हुआ कि उनके पास खाना भी खत्म, तब उनके पास था कि कुछ मछली समुद्र, उनके पास जो मछली था उसी को थोड़ा धूप में सुखा के उसी को कच्चा खा गया, कभी समुद्र से टर्टल्स मिल जाता था। अच्छा पानी इंसान खाने के बिना रह सकता है, पानी कैसे, समुद्र का पानी खारा है, खारा है कैसे पिए। मैं एक जगह पढ़ा, जब मैं इसके ऊपर पढ़ रहा था कई सारे जगह, कि ही यूज टू कैच टर्टल्स, टर्टल्स को मार देते थे, और सोचिए क्या समय जाता है, टर्टल्स का जो ब्लड है उसको पी लेते थे। नॉट ओनली दैट, दिस 2 persons दे यूज टू यूरिनेट एंड ड्रिंक दैट ऑल्सो, अपना खुद का पेशाब भी वो पी लेते थे। समय लोगों को ऐसे बना देते, ऐसे करने के 4 महीने बाद और या तो कुछ दिन बाद फाइनली कॉर्डोबा अपना जिंदगी से हाथ धो देते, वो उनका तबीयत खराब हो जाता है, 23 साल का नौजवान था, फाइनली ही उसका तबीयत खराब हो जाता है, और ये अपने जब आपका अब मन से छोड़ देंगे ना, जिंदगी से उम्मीद छोड़ देंगे, तो आप सोचिए क्या भार है। यही हुआ उसके साथ, कॉर्डोबा आखिर में अपने जिंदगी से उम्मीदें छोड़ देते और फाइनली ही डाइड। कॉर्डोबा साल्वाडोर को बोला था कि दोस्त मेरा आपसे कभी परिचय नहीं हुआ, बट मेरा जिंदगी का आखिरी कुछ समय मैं बहुत अच्छा बीता आपके साथ, आप मेरा जिंदगी अभी खत्म होने वाला है, बट मेरा आपसे दो रिक्वेस्ट है, घर पे जाके मेरे फैमिली को ये खबर पहुंचाना, मैं उन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, और दूसरा रिक्वेस्ट है मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को आप कभी खा ना जाना, बिकॉज उसका भी नमूना है। एक इंसान जब खुद खाना नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है कि उसको काट के खा जाए, ये होता है, ये हकीकत है। तो साल्वाडोर बोला श्योर। कॉर्डोबा मर जाने के बाद साल्वाडोर एक जगह बताते हैं कि करीब 6 दिन तक वो शरीर बोट के ऊपर पड़ा रहा, और दिन रात ऐसी बोट समुद्र में तैरते रहा अपने हिसाब से, ना तो कुछ दिखा, और साल्वाडोर इस शरीर से, कॉर्डोबा का शरीर से बातें करते रहा। अब सोचिए एक इंसान जो कुछ दिन पहले जिए हुए थे, जिंदा था, वो इज नो मोर, बट इंसान की दिमागी संतुलन इस जगह पहुंच गया, वो एक ही वॉज स्पीकिंग टू अ डेड पर्सन। 6 दिन के बाद उनको अनुभव हुआ कि ही इज नो मोर, और उस समय विथ रेस्पेक्ट वो पानी में कॉर्डोबा का शरीर को समुंदर के पानी में छोड़ दिया, खत्म। अब आगे क्या, 4 से 6 महीने, 6 से 8 महीने, 8 से 10 महीने, बट कहीं दूर दूर से कोई नजर नहीं है। करीब 15 लूनर एक्लिप्स साल्वाडोर काउंट किया, अब पता कैसे चलेगा कितना दिन हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, केवल ऊपर के नक्षत्र या जो सन एंड द मून, ही कैन मार्क आउट सम कैलकुलेशंस। सो ही हैड मार्क्ड अराउंड 15 लूनर एक्लिप्सेस ऑन द स्काई। ऐसे जाते 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 एक समय उसका भी, इसका डेथ के बाद साल्वाडोर एक जगह बताते कि मैं एक समय सोचा था कि मैं खुद सुइसाइड करूं,
बट मेरे को मेरा जिंदगी कहाँ कहीं बोला कि नो यू हैव टू सी द लास्ट, आखिर तक आपको देखा है। मैं एक चीज बताऊँ, ये सल्वाडोर कभी चर्च नहीं जाता था, इवन टोल्ड शी शेयर्ड कि मैं कभी चर्च में नहीं गया, बट वो भगवान पे विश्वास करता था। ये बात सही है कि कोई तो है, देयर इज अ सुपर पावर, उसमें वो विश्वास रखता था। और आखिर में वो उनके आंख है हमारे ऊपर, वो कहीं ना कहीं हमें जरूर बचाएंगे। तो ये था विश्वास ऊपर वाले के ऊपर, और शायद यही उम्मीद और ऊपर वाले के ऊपर ये जो ट्रस्ट, ये उसको जिंदगी वापस दी। तो पैसिफिक ओशन के ऊपर ये जो पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स बोलते हैं इसको, या ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, इसमें कुछ फ्लोटेबल्स आता है, आप इसके बारे में कभी पढ़ लीजिए, गार्बेज पैच ऑन पैसिफिक ओशन या पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स आपको मिलेगा। तो एक समय लेंथ ऑफ अराउंड 5,500 टू 6,700 माइल्स तय करने के बाद, विच इज अराउंड 8,900 टू 10,500 किलोमीटर्स उन्होंने दूरी तय किया, अगर देखा जाए, He could spot an island one early morning, a corner of a desolate island, which turned out to be a remote corner of the Marshall Islands. दूर में उसको एक छोटा सा कुछ आइलैंड जैसे दिखा सालवाडोर को। जैसे वो दिखा वो कुछ देर तो बाबू को मतलब वो होता है कि वो सही देख रहा है गलत देख रहा है पता नहीं चल। अच्छा, उस समय कुछ पंछियों को भी वो पकड़ने का कोशिश की और एक दो जगह पंछी भी पकड़ लिया था, उसके ऊपर ही ऑल्सो हैड अ फ्लैश ऑफ द बर्ड्स। और ये एक राज भी था कि वो जो इसके ऊपर खाना खाया, डॉक्टर्स बाद में बताते कि उसको शरीर में कई सारी चीज का रिक्वायरमेंट है जो उसको मिल गया था उससे, जो उसको 438 दिन तक जिंदा रखा। तो आखिर में जब वो देखता है आइलैंड, वो जंप्स ऑफ द बोट एंड फाइनली स्विम्स, कैसी वो मैनेज करके स्विम करके वो समुद्र के किनारे तक आके पहुंच जाते हैं। कुछ देर वो बाद में पता चला कि कुछ देर तक वो वहीं पे ऐसे विदाउट एनी सेंस पड़ा रहता है, बाद में जब सेंस आता है तो वो अनप शनप कहने लगता है, और एक चाकू था उसके साथ तो उसको निकाल के वो खरोजने लगता है। तभी उसको मार्क करता है वहां के लोकल दो लोकलाइज गए ऑफ दैट मार्शल आइलैंड। ही वॉज रिकवर्ड, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, और बाद में उनके घर तक खबर गया एंड ही वॉज सेंड बैक लेटर ऑन टू हिज ओन कंट्री। उनके पेरेंट्स वर दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज उनको पता था कि देयर सन इज नो मोर। सो ओनर ऑफ द बोट वॉज सीजर कैस Tilo I had shared, and Jonathan Franklin बोल के journalist है जिन्होंने इनको इनका एक interview लिया था, and इसके ऊपर एक he wrote a story book on the extraordinary true story of the survival at sea. So that was a very different story for you my viewers, those who have inspired me a lot. And I really thought to share this story right at the moment, a perfect one for this scenario, ki to keep yourselves very strong, determined, keep yourself safe and believe in God, believe in the superpower and just go on the right track. Bahut kathinai ka samna hum kar rahe hain, bahut log soch rahe hain ki pandemic chala, situation is over, ye chala gaya, but please don't take a wrong step. आपका गलत रास्ता आपके परिवार के लिए, आपके सोसाइटी के लिए गलत साबित हो सकता है। इसी के लिए पर डे देयर इज अ लैक इंक्रीज ऑफ अफेक्टेड पीपल्स इन कंट्री फॉर दिस ओनली। प्लीज बी स्टेबल, बी काम, और उम्मीद रखिए खुशियों के दिन फिर वापस आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर अच्छा लगे स्टोरी, मैं एक ही चीज कहता हूँ, अगर अच्छा लगे प्लीज शेयर इट टू अदर्स। और मेरा यही एक कोशिश रहता है कि अच्छे कहानी लोग तक पहुंचे, और अगर कहानी अच्छा लगे
तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लोगों को कहिएगा भी कि स्टोरी सुने. दैट इज ऑल व्हाट आई विश फ्रॉम यू एंड योर लव ऑलवेज एज ऑलवेज आई हैव रिसीव्ड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. टिल देन गुड बाय. शुभ रात्रि.